बदायूं में लॉकडाउन 4 का आज पांचवा दिन है। एक साथ 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बदायूं प्रशासन में खलबली मच गई है। बदायूं में कोरोना बम फटने से तब प्रशासन में हड़कंप मच गया जब एक साथ 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से डीएम, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग की टीम आसफपुर ब्लॉक के ग्राम संग्रामपुर व लक्ष्मीपुर गाँव में पहुँचे, जहाँ संग्रामपुर गाँव के 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये सभी प्रवासी मजदूर है। यह सभी लोग 15 तारीख को मुंबई से चलकर 18 तारीख को अपने गांव पहुंचे थे और इनका सैंपल 18 तारीख को ही भेजा गया था, जिसमें 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन गांवों को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। डीएम प्रशांत कुमार ने बताया कि जो भी जरूरत के सामान होते हैं उनके लिए डोर टू डोर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल भेजे जाएंगे और उनके लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो क्या गतिविधियों को रोका गया, किन दिशा निर्देश दिए गए? इसमें जो सिंपल प्रोटोकॉल होता है वो हम फॉलो करेंगे। सारे गांव की जो सीमाएं हैं उसको सील कर देंगे और इसमें कोई भी आर्थिक गतिविधियां अब नहीं होंगी। सारे लोग, सभी लोग जो है घर में अब रहेंगे और जितने पॉजिटिव सैंपल्स आए हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में जितने आए थे उनको सभी को हम उठा के आज सैंपलिंग के लिए ले जाएंगे और जब तक उनके सैंपल रिपोर्ट नहीं आ जाते तब तक वो जिला अस्पताल में क्वारंटाइन रहेंगे। साथ ही साथ अन्य जो लोग आए हैं उनके सभी के फूल टेस्टिंग होगी, सभी का हम इंडिविजुअल सभी की चेक करवाएंगे और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आगे डिसाइड करेंगे। इस कार्य के लिए हमारी मेडिकल की टीम और राजस्व की पुलिस की टीम भी लग गई है जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला कार्य करती है। तो सर इस एरिया को हॉटस्पॉट कर दिया गया क्या? हाँ जी, ये तो जनरल प्रोटोकॉल है, इसमें जहाँ पे भी पॉजिटिव केसेज आते हैं वो एरिया हॉटस्पॉट। थैंक यू।